दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का अटैक जारी है। दिल्ली में आज का औसत AQI 471 दर्ज किया गया। गंभीर श्रेणी में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बना हुआ है। एयरपोर्ट T3 की बात करें, AQI 459 दर्ज किया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय क्षेत्र में AQI 473 दर्ज किया गया। वहीं लोधी रोड में AQI 450, मथुरा रोड में AQI 453 दर्ज किया गया है। IIT दिल्ली क्षेत्र में 517, वहीं पूसा में AQI 407 दर्ज किया गया। आरकेपुरम में AQI 466 दर्ज किया गया है। ITO की बात करें तो यहाँ पर AQI 402 दर्ज किया गया है। वहीं पड़पड़गंज में 471, न्यू मोतीबाग में AQI 488। वहीं दिल्ली से ज्यादा नोएडा की हवा जहरीली हो चुकी है। अब नोएडा की बात कर रहे हैं। नोएडा में AQI 616 दर्ज किया गया है। ये औसत AQI नोएडा का हम बता रहे हैं। ऐसे में कई इलाकों में और भी ज्यादा AQI दर्ज किया गया है। गुरुग्राम में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 516 बना हुआ है। तो गंभीर श्रेणी में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर में दम घोटू हवा ने लोगों का सांस लेना जीना मुश्किल कर रखा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली के कई इलाकों में AQI 500 के पार पहुंच चुका है। ये गंभीर से भी ज्यादा खतरनाक श्रेणी में AQI पहुंच चुका है। ऐसे में दिल्ली के लोगों के लिए इस हवा में सांस लेना बेहद ही खतरनाक है। जहरीली हवा में इस वक्त दिल्ली का हर वासी, हर नागरिक सांस ले रहा है। ऐसे में सावधानी बरतने की अपील लगातार की जा रही है। पूरे एनसीआर में इस तरीके की आबो हवा बनी हुई है। हवा खराब हो चुकी है। नोएडा की बात करें तो दिल्ली से ज्यादा बदतर हालात नोएडा में बने हुए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे सी मीडिया संवाददाता आदित्य प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, दम घोटू हवा फिलहाल बनी हुई है, लोगों की परेशानी बढ़ती हुई, ये हवा अब जहरीली हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पूरे दिल्ली एनसीआर पे प्रदूषण का तांडव अपने चरम पर है, क्योंकि जिस तरीके से AQI के आंकड़े सफर ऐप के आज मुताबिक हैं, वो वाकई में बहुत चिंताजनक स्थिति है। एक बार फिर से 400 के पार का आंकड़ा, और वो भी 471 के लगभग का आंकड़ा जो है वो दिल्ली के ओवरऑल AQI ने छू लिया है। वहीं नोएडा में ये आंकड़ा 600 के पार पहुंच गया है। लगातार जिस तरीके से AQI बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर के लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस समय 7 बजे का समय है और आप देख सकते हैं कि कितनी धुंध जो है वो पूरी दिल्ली पर छाई हुई है। प्रगति मैदान के पास हम इस समय खड़े हुए हैं। सुबह का वक्त है, 7 बज गए हैं, जिस समय एकदम रोशनी होती है। उसके बावजूद भी जो वाहन है वो हेडलैम्प्स जला के इस समय यहाँ पर चल रहे हैं। आज नोएडा में 616 AQI दर्ज कराया गया है। वहीं गुड़गांव में, जहां पर कल 392 AQI था, आज वहां पर 516 यानी गंभीर श्रेणी में AQI दर्ज कराया गया है। लगातार जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, वाकई में स्थिति बहुत चिंताजनक होती आ रही है। खासकर दिल्ली में एयरपोर्ट T3 के आसपास 500 के पार AQI पहुंचा है। ये चिंताजनक स्थिति है। आज मंडे है, ऑफिशियल वर्किंग, और जो तमाम लोग हैं वो आज फिर से निकलेंगे और कहीं ना कहीं ये जो आंकड़ा है वो दिन में बढ़ सकता है। निश्चित रूप से आदित्य, तस्वीरें और दिखाइएगा, किस तरीके से विजिबिलिटी पे इस पूरे AQI की वजह से फर्क पड़ा है। बिल्कुल, देखिए AQI और विजिबिलिटी का आमना सामना बार बार हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से धुंध है। दूसरी तरफ की आपको तस्वीरें दिखाता हूं। ये कहीं ना कहीं ये मथुरा रोड है, ये वही मथुरा रोड है जहां पर AQI आज 453 दर्ज किया गया है, गंभीर श्रेणी में है। आप देखिए हेड लैंप और टेल लैंप जला के गाड़ियां सुबह 7 बजे के समय पे चल रही हैं। लगातार देखा गया पिछले 3 दिनों तक सूर्य की जो रोशनी थी वो दिल्ली एनसीआर पर नहीं पड़ी। कल हल्की धूप 11:30 बजे के बाद बहुत हल्की धूप पड़ी, लेकिन उसके बाद फिर से स्थिति वैसी ही हो गई जैसी बीते दिनों में थी। लगातार आप देख सकते हैं, और वाकई में तापमान में गिरावट तो है, लेकिन ये वो ठंड वाला कोहरा नहीं है, ना ही इसको आप एंजॉय करने के लिए बाहर निकल सकते हैं। सरकार लगातार और डॉक्टर्स खासकर ये सुझाव दे रहे हैं कि मॉर्निंग वॉक से इस समय बचें। अगर आप बाहर निकल रहे हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, बच्चे हैं, आप कम से कम प्रयास करें, बहुत जरूरत होने पे बाहर निकले। और कहीं ना कहीं सरकार ने भी इसको देखते हुए 10 नवंबर तक जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको बंद करने का आदेश दिया है, कक्षा 5 तक, और एक सजेशन भी दिया है कि 6 से 12 तक ऑनलाइन क्लासेस अगर हो सकती हैं तो विद्यालय प्रबंधन को उसके भी प्रयास करने चाहिए, क्योंकि वाकई में तमाम प्रयासों के बाद भी, सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी इस प्रदूषण से निजात मिलना मुश्किल दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से आदित्य, ग्राफ 4 के नियम लागू कर दिए गए हैं, ऐसे में क्या क्या प्रतिबंधित रहेगा दिल्ली के अंदर? देखिए, बिल्कुल ग्रैप 4 लागू होने के बाद कहीं ना कहीं जो पुराने डीजल वाहन हैं उनका प्रवेश अब बंद होगा। कंस्ट्रक्शन के काम चाहे जिस तरीके भी के हो वो बंद हो जाएंगे। जो स्कूल्स के लिए आदेश आया है उसके इतर जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वहाँ पे भी कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चरिंग है इन सारी चीज़ों पे भी प्रभाव पड़ने वाला है। जो BS6 को लेके बात हो रही थी, गोपाल राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को एक पत्र भी लिखा था, कहीं ना कहीं उन चीज़ों पे भी कार्रवाई हो सकती है जो बाहरी गाड़ियां हैं, पुराने डीजल वाहन हैं या इसके अलावा पेट्रोल के भी एक वाहन जिनके मानक तय किए गए हैं उनको भी लेकर प्रवेश वर्जित हो सकता है। सरकार तमाम प्रयास कर रही है। ग्रैप 4 लागू होने के बाद कहीं ना कहीं सख्ती और बढ़ती जाएगी। MCD भी लगातार चालान कर रही है। अभी ग्रैप 4 लगने के बाद अगर किसी तरीके का परिवर्तन दिखाई देता है तो वाकई में दिल्ली के लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन फिलहाल आज की स्थिति ऐसी है कि किसी भी तरीके की राहत मिलने की संभावना नहीं दिखाई दे रही। निश्चित रूप से आदित्य, फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो वो भी बेहद ही चिंताजनक बनी हुई है। विजिबिलिटी शून्य हो चुकी है, एक तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है 10 मीटर की दूरी के आगे का, क्योंकि धुंध सफेद परत पॉल्यूशन की वजह से, प्रदूषण की वजह से इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि दिल्ली में अब गाड़ी चालकों को खासा तौर पर परेशानी हो रही है। आम जन और जीवन की बात करें तो वो अस्त व्यस्त हो चुका है, क्योंकि इस तरीके से पॉल्यूशन का बढ़ना लोगों की सेहत पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। जोधपुर में था 15 दिन, जोधपुर में तो आसमान में आप तारे गिन लो, उत्तराखंड में चले जाओ वहाँ तारे गिन लो। तो गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। ब्लेम गेम चल रहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट बोलती है सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है दिल्ली गवर्नमेंट, और 500 किलोमीटर की रेंज भी नहीं है। हरियाणा और पंजाब तो कोई एक ही, अगर देखा जाए जोग्राफिकली कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। खाली मुझे नहीं लगता कि खाली पराली का ही कारण है, और भी बहुत सारे कारण हैं। तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में रहना मतलब ये है, अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो अपनी लाइफ जो है आप 5-7 साल डेफिनेटली कम कर रहे हो कंपेयर टू अदर प्लेस। मोदी जी को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि लोगों की आशाएं मोदी जी के साथ ही जुड़ी हुई। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, और लोगों को उम्मीद है कि सरकार की तरफ से जरूरी नियम लागू किए जाएंगे, कदम उठाए जाएंगे। हालांकि ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है, लेकिन सख्ती की अभी भी और जरूरत है।